धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। सारी संगत प्यार ना लखन जी, धन बाबा दीप सिंह जी। किसी ने इस जिंदगी दी सच्चाई कही है, वेखो प्यारे हो, कई बारी असी किसी की मदद करते हैं ना, ते मदद करन दे पिछे ये चीज रख लेने आ, समा आएगा इनू भी मैं इस्तेमाल करांगा। अज मैं इहदी हैल्प कर रहा, कल नू इहदे कोलों भी मैं कम लेने ने। किसे ने यह बड़ी खूबसूरत गल कही, केंदे जे तुसी किसे दी मदद कर रहे हो ना, ते मदद करन दे बाद उहदे कोलों कुछ प्राप्त करन दी उम्मीद रखी हुई है तुसी। फिर सुन लो, किसे दी तुसी मदद कीती, मदद करन तो बाद बदले दे विच उहदे कोलों उम्मीद रख लई कोई चीज पाउण दी, केंदे सही मायनियां दे विच ए मदद ना होई, ए दया ना होई, ए ते फिर एक वपार ही हो गया। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो ने जी, धन बाबा दीप सिंह जी। जे मदद करन दे बाद तू किसे कोलों कोई उम्मीद रख लई ना कि इनू मैं इस्तेमाल करांगा फलाने वेले, या इहदे कोलों भी आ कम करावांगा, असलियत विच ओ मदद नहीं, ओ दया नहीं, ओ ते एक वपार हो गया। मैं कई बारी पहले भी अर्ज करदा, दया इस हिसाब नाल करो, मदद इस हिसाब नाल करो कि एक हथ मदद करे तो दूजे नूं पता भी ना लगे। इस हिसाब दे नाल, क्योंकि दो तरह का उपकार हुंदा है, पर उपकार दो तरह का हुंदा है। एक हुंदा है स्वार्थी पर उपकार, मैं मदद कीती है फलाने की तो उम्मीद रख ली अपने अंदर कि इनू भी मैं इदा यूज करांगा वक्त आउण ते, यह है स्वार्थी पर उपकार। एक हुंदा खुशबोई पर उपकार, खुशबोई पर उपकार की हुण परफ्यूम की शीशी है, उन्हूं तुसी चकिया ते परफ्यूम नूं सारे पासे स्प्रे कर दिता, उहदी खुशबू ते सब नूं आएगी, पर परफ्यूम ने जगह नहीं कोई घेरी। यह है खुशबोई पर उपकार। एक हथ ने कीती मदद, दूजे नूं पता भी ना लगन दिता। जे असीं रोजाना गुरु जी की संगत विच जुड़दे आ ना, ते मेरी सनिमर बेनती है, जिहदी भी मदद करो, मदद करन तों बाद कदी भी उहदे कोलों उम्मीद ना रखो। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो ने जी, धन बाबा दीप सिंह जी। दूजी गल भी ना बड़ी प्यारी है, मान लो सानू किसी ने चोट पहुंचाई है, साडा दिल दुखाया, ये मैं गल्लां जिहड़ियां भी करदा वां ना घरेलू तौर ते करदा, क्योंकि साडे समागम दा मंतव ही ये है आप सवरो, पहले अपने आप नूं सवारना है। सारियां मैं घरेलू तौर दियां गल्लां करदा तां जो सारियां दी जल्दी पकड़ दे विच आउण। मैं भी गृहस्थी हाँ, तुसीं भी गृहस्थी हो तकरीबन, जिहड़े इस समागम तकदे हो, जिहड़े जुड़दे हो रोज़। हुण मान लो किसी ने सानू चोट पहुंचाई है, साडा दिल दुखाया है। प्यारे ओ, जदों कोई तुहानू चोट पहुंचावे ना, ते चुप रहना ही बेहतर हुंदा है। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु। ए नहीं परिवार दे एक मैंबर ने तैनू एक गल सुनाई, तू दस सुनाएगा, फिर ते तनाव वधेगा, लड़ाई झगड़े वधणगे। हुण मान लो किसी जी ने तैनू चोट पहुंचाई है ना, उस वेले चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि समा उन्होंने फिर आपे जवाब दे देंदा है, सही गलत की पछाण करा देंदा है, चंगे मंदे की पछाण करवा देंदा है, कौन अपना है कौन पराया है, समा आपे जवाब दे देंदा है। जे तेरा किसी ने दिल दुखाया, तेनू किसी ने चोट पहुंचाई है ना, तो प्यारिया चुप रह, नितनेम वधा, नितनेम वधा के अरदास कर, समा उन्हां नूं आपे ही जवाब देवेगा। खो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो ने जी, धन बाबा दीप सिंह जी।
उस वेले चुप रहना है, क्योंकि जड़ा सच है ना, सच उन्हों सिद्ध करन दी लोड़ नहीं हुंदी। सच नू सिद्ध करन दी लोड़ नहीं, सच दे विच अपने आप नू प्रगट करन दी बड़ी ताकत हुंदी है। हुण सूरज चढ़े है, सूरज दे अगे आ गए बदल, पर प्यारेओ कदी नोट करना, बदल ते कुछ समय लई आए ने, कुछ दिनां लई आए ने, अखीर जित बदलां दी नहीं हुंदी, अखीर जित सूरज दी ही हुंदी है। इस करके मेरी बेनती है, जदों भी कोई तुहानू चोट पहुंचावे घरेलू मैंबर, तुहाडा दिल दुखावे, ते उत्थे चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि सच अज नहीं ते कल प्रगट हो ही जांदा है। आखो वाहेगुरू जी, वाहेगुरू जी, वाहेगुरू जी, वाहेगुरू जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। जिथे जिथे भी प्यार नाल बह के सरवण कर रहे हो ना जी, मेरी बेनती सारी संगत प्यार ना लख जी, धन बाबा दीप सिंह जी, फिर आखो धन बाबा दीप सिंह जी। अगली गल ये भी बड़ी जिंदगी दे विच कम आएगी, असी चंगे इंसान बनना है, नेक इंसान। एक चंगा इंसान बनन दे लई, एक नेक इंसान बनन दे लई उन्नी ही मेहनत करो। एक नेक इंसान बनन लई, एक चंगा इंसान बनन दे लई उन्नी ही मेहनत करो जिन्नी मेहनत तुसी खूबसूरत दिखण वास्ते करदे हो। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। बंदा कई तरह दे चेहरे दे उत्ते मेकअप करदा है कि मैं दुनिया नू सोहना नजर आवां, बड़े चंगे चंगे कपड़े पाउंदा है, बड़े पहरावे वन सवन्ने पाउंदा है कि मैं दुनिया नू खूबसूरत नजर आवां। पर प्यारिया, खूबसूरती असलियत दे विच तेरे गुणा दी है, खूबसूरती असलियत दे विच तेरे चंगे कम्मां दे विच। इस करके घट तो घट नेक इंसान बनने लई इन्नी मेहनत ते जरूर करो जिन्नी मेहनत असी खूबसूरत दिखण वास्ते करदे हां। हां जी, धन गुरु रामदास 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 जी, धन गुरु रामदास। प्यार नाल सारे आखो न जी, धन बाबा दीप सिंह जी। अगली गल भी ना हिरदे दी डायरी दे उत्ते नोट कर लेना, साडा दिमाग साडा सब तो वधिया दोस्त है, सब तो वधिया मित्र है साडा दिमाग। साडा दिमाग साडा सब तो वधिया मित्र है, सब तो वधिया दोस्त है, पर कदों जद तक दिमाग नू असी कंट्रोल कर रहे हैं, जब तक दिमाग नू असी कंट्रोल करते हैं ना, यह सब तो वधिया साडा मित्र है, सब तो वधिया साडा दोस्त है, पर जे दिमाग तुहानू कंट्रोल कर रहा है ना, तो प्यारियो एदे तो वड्डा दुश्मन साडा कोई नहीं। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। दिमाग दे उत्ते अपने विचारां दे उत्ते आप काबू रखिए, आप मेरी बेनती है, जदों असी दिमाग दे उत्ते अपना कंट्रोल रखांगे ना, ते फिर ये साडा सही मित्र है। ते जे दिमाग साडे उत्ते कंट्रोल करेगा, मन साडे उत्ते कंट्रोल करेगा, फिर एदे तों वड्डा साडा दुश्मन कोई नहीं। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। इस करके अपने मन दे उत्ते अपने दिमाग दे उत्ते असी कंट्रोल रखिए, नहीं ते ये काबू च नहीं आउंदा, दिमाग मन ये चीजां काबू च थोड़ी आउंदियां। एक महापुरख सी, सर्दियां दे दिन अमृत वेले उठे, ते ओ समयां च नदी ते जाना पैंदा सी इशनान करन वास्ते। हुण जदों नदी ते पहुंचे ना इशनान करन दे लई, ठंड बहुत जोरां दी पै रही, ते जदों नदी ते पहुंचे बहुत ठंड लग रही, ते मन दे अंदरों आवाज पता की आई, मन कहिंदा है अज जे तू इशनान नहीं करेगा ते क्या कट जाएगा। इशनान दी लोड़ साधुआं नूं थोड़ी हुंदी है,
ਉਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਨੇਮ ਕਰ ਲੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮਝ ਗਏ ਅੱਜ ਮਨ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਅੱਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮਨ 'ਚੋਂ ਵਾਜਾਂ ਆਉਣ, ਹਾਏ ਠੰਡ ਬੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਿਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਤੇ ਸੁਚੇਤਤਾ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿੱਤਰ ਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੀਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੁਰਿਆਈ ਵੇਖਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਵੇਖਣੀ ਬੜੀ ਹੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਵੇਖਣਾ, ਗੁਣ ਵੇਖਣੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਲੱਭਣ 'ਤੇ ਆਓਗੇ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ, ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਅੱਛਾਈਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਹੀ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਹੀ ਤੱਕਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਜੇ ਬੰਦਾ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਿਆਈਆਂ ਗੁਣ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵਟਾਈਏ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵੱਲ ਲਾਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅਛਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਛਾਈਆਂ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਛਿਆਈਆਂ ਹੀ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਆਪ ਸਵਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰ ਲਓ,
फेसबुक पेज है, ट्विटर ते, इंस्टाग्राम ते, हर जगह ते असी अकाउंट बनाया, साडा नाम भर के हर जगह ते तुसी सानू फॉलो कर सकते हो। आओ शब्द पढ़ना है आपां, गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा उच्चारण कीता, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 201 अंग दे उत्ते ए शब्द दर्ज है। शब्द ठेर घर बैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। सारी संगत ए शब्द दा गायन रल मिल के करियो, ते ए शब्द विच की सुमत दित्ती है गुरु साहिब जी ने। सतगुरु मेरे सिर ते हथ रख के सेवा लै, पढ़ियो जी ए शब्द सारे। तुमरे काज सवारे सतगुर, तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे सतगुर, तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे सतगुरु, तुमरे काज सवारे, 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 सवारे तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे सतगुर, तुमरे काज सवारे, बैसो हर जन प्यारे, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, पढ़ो, सतगुर तुमरे काज सवारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे सतगुर, तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे सतगुर, तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे।
तुमरे काज सवारे सतगुरु तुमरे काज
गुर तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे। तीर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे, तीर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे। तीर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे, तीर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे। सतगुर तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे। निरपो होए पजो भगवान, निरपो होए पजो भगवान, निरपो होए पजो भगवान, निरपो होए पजो भगवान। साध संगत मिल की नो दान, साध संगत मिल की नो दान, साध संगत मिल की नो दान, साध संगत मिल की नो दान। तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे। तीर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे, तीर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे। तीर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे, हर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे। गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, धन बाबा।
शरण परे प्रभ अंतर जामी, शरण परे शरण परे प्रभ अंतर जामी, शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी, उमरे जी तुमरे काज सवारे सतगुरे, तुमरे काज सवारे सतगुरु, तुमरे काज सवारे धीर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे, मेरे घर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे, जी तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे सतगुर सवारे, तुमरे काज सवारे तुमरे काज सवारे, जी तुमरे काज सवारे तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे तुमरे काज सवारे तुमरे काज सवारे, गोपाल तेरा यारता जो जन तुमरी भगत करंते, तिनके काज सवारता
ਦਿੱਤਾ ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਕੀਓ ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ ਪਨੀਆ ਸ਼ਾਦਨ ਨਿਕਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸਿਕਾ ਗਊ ਪੈਸ ਮੰਗੋ ਲਾਵੇਰੀ ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ ਕਰ ਕੀ ਗੇਹਨ ਚੰਗੀ ਜਨ ਤੰਨਾ ਲੇ ਵੈ ਮੰਗੀ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ हे प्यारे भगत जनों, हे गुरु नू मनन वालेओ, वाहिगुरु दे लाडले गोलेओ, अपने हिरदे घर दे विच ए पूरी श्रद्धा बनाओ, अपने हिरदे घर दे विच टिक के ये पूरी शरदा बनाओ। पूरी शरदा केड़ी शरदा? थेर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। ये पूरी शरदा बनाओ अपने अंदर की, कि मैं सतगुरु दा बनया वा, ते सतगुरां ने कृपा दा खाता खोल के अपने शरण आए दी लाज रखी है, ते सारे कारजां नू सवार दिता है, सारे कार्य सिरे चाड़ दिते ने, कृपा कर दिती है जी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। शब्द वेखो सानू किड्डा
भरोसा बख्श रहा है, किड्डी सपोर्ट कर रहा है कि जे तू वाहगुरु जी का बनया ना, गुरु रामदास का बनया, तो डगमगा उन्होंने अपने अंदर दे विचारां नूं कि मैं सतगुरु का बनया, पता नहीं मेरा कार्ज नेपड़े चढ़ना है कि नहीं चढ़ना, मेरा कम सवरना है कि नहीं सवरना। सतगुरु कहिंदे नहीं, अपने अंदर एडी तगड़ी भावना बना, एडी उत्तम श्रद्धा बना, इन्ना पक्का विश्वास बना कि मैं साहब का बनया वा, तो सतगुरु ने मेरे सारे कार्ज सिरे चाड़ दिते ने, नेपरे चाड़ दिते ने, मैं सतगुरु का गोला। हुण गोला कौन हुंदा है? सतगुरु का बनना की है कि जो गुरु पिता जी ने प्यारे वो बचन किए ने, तू वो बचना की कमाई करन लग पे है। सतगुरु ने जो उपदेश दिता है, तू उस उपदेश मुताबक अपना जीवन जीवना शुरू कर दिता है। जदों तू इदा सतगुरु का बन जाता है ना, फिर तेरे सारे कार्जा नूं सवारन की जिम्मेवारी गुरु रामदास अपनी झोली च पवा लेंदे ने। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार नाल सारे आखो न जी धन बाबा। गुरु अर्जन देव पातशाह जी किड्डी प्यारी सुमत दे रहे, कहिंदे थेर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे ताज सवारे। ते अगे कहिंदे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, कहिंदे जेड़ा हुण सतगुरु दी शरण विच आ गया, जिन्हें अपने हिरदे घर दे विच अंदरले धाम दे विच ए पक्की श्रद्धा बना ली कि मेरे सतगुरु ने मेरे सारे कार्ज नेपड़े चाड़ दिते ने, मैं उहदा बनिया वा, उहनूं कोई कमी रहणी नहीं दित्ती। जिदे अंदर ए पॉजिटिविटी आ गई, केंदे फिर ओदे जिन्ने भी दोखी वैरी ने ना, सतगुरां ने कृपा करके ओदे जेड़े दोखी ने, ओदे वैरी ने, जेड़े ओदे दुश्मन ने, उन्हां नूं फिर मार के मुका दिता। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, बाहरले वैरियां तों वी रखिया उहदी कीती, ते अंदरले जिहड़े वैरी ने ना, उह वैरी जिहड़े वकार ने, उन्हां तों वी रखिया फिर कीती। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। कहिंदे अपने अंदर ए निश्चा रखो, केड़ा निश्चा? कि जेड़ा बंदा सारे आसरे छड के परमेश्वर साई गुरु रामदास दा बन जांदा है ना, ते ओ फिर गुरु रामदास अपने ओ न्यासरे दा आसरा बनदे ने, ते ओदी हर जगह दे उत्ते इज्जत रख लेंदे ने। देखो प्यारियो, गल ते है ओदे बनन दी, ओदे अंदरों बनी है, ओदे बनना की है, ओदे नाल प्रेम कर। प्रेम करना की? कि जो गुरु जी ने बचन किए ने, वह बचना थोड़ा थोड़ा कमाना शुरू कर दे। 100 चो 100% मन लै नहीं भी चल पाया, इंसान असी नहीं चल सकते, 10-20 पैसे गुरु के बचना के उत्ते चलण का यतन तो कर लै। जदों तू यतन करेगा ना, साहब कहिंदे चरण सरण गुर एक पेंडा जाए, चल सतगुर कोट पेंडा आगे होए लेत है। तू ओदे बचना नू कमाउन दा यतन ही कर लै, ओदे बचना नू कमाउन वाल अपने कदम वधाउणे शुरू कर दे, ते फिर जेड़ा ओदा बन जांदा सारे आसरियां नू छड के माफी देना। साडे अंदर आसरे बड़े हुंदे, जे कोई मुश्किल दा समा आया, मेरे रिश्तेदार बड़े वड्डे ने, मेरे मित्रां दोस्तां दी बड़ी पावर है, मेरी सरकारे दरबारे बड़ी पहुंच है, मेरा कौन कुछ बिगाड़ सकता है। साडे अंदर आसरे बड़े ने, पर प्यारे ओ सारे आसरियां नूं छड के किस की कोई कोई मंज निमाणी, इक तू। सारे आसरे छड के अपना अपने मालक दा बन जाइए। जदों अपने मालक दे बणांगे ना, सारे आसरियां नूं छड के, फिर वह हर जगह दे उत्ते साडी इज्जत रखेगा। असी आसरे छड्डदे नहीं, सच्चाई है। साडे अंदर ते आसरे प्यारे जोतशियां दे ने, कदी हथ विखाउण जांदे मेरे कर्मां च की लिखिआ। साडे अंदर आसरे ते पीरां फकीरां दे ने, मड़ियां मसाणियां दे ने, कबरां दे ने, साडे अंदर आसरे नगां वालियां मुंदरियां दे आसरे ने साडे अंदर। ताई करके फिर
प्यारेओ कामयाबी नहीं मिलती। ताई करके साड़ी पटकना नहीं मुकदी, ताई करके गुर परमेश्वर साईं दी बख्शिश दा खाता साडे उत्ते नहीं खुलदा। महाराज कहिंदे सारे आसरे छड के जेड़ा बंदा परमेश्वर गुरु रामदास जी दा आसरा तकदा है ना ओदे चरण फड़ लैंदा है ते परमेश्वर साईं अपने उस सेवक दी हर जगह दे उत्ते इज्जत रखदे ने। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो ना जी धन बाबा दीप सिंह जी। मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ते आया। किन्ने इतिहास गवा ने, किनिया मिसाला मिलदिया ने, किनिया मिसाला। भगत प्रहलाद की मिसाल लै लो। हुण भगत प्रहलाद घर दे विच बापू ही प्यो ही दुश्मन बनिया पिया, तू मेरा नाम जप रब का नाम ना लै। ते किन्ने हीले कीते, किनिया कोशिशां कीतियां प्रहलाद नूं मारन दियां, किते पहाड़ी तों थले सुटिया है जी, किते अग दे विच साड़ के सवाह करन दी कोशिश कीती, किते हनेरे वाले बंद कमरे दे विच डक दिता, किते गरम थंब दे नाल जफा पवाया, पर प्रहलाद अंदर परमेश्वर साईं दा आसरा सी, एक दे उत्ते भरोसा सी कि जेड़ा घट घट दे विच वस रहा है ना ओ मेरा मित्र है, उहदे नाल मैं यारी लाई है, फिर मैनू डोलन की लोड़ नहीं। विश्वास सी पूरा, ते फिर इस विश्वास दा सदका, इस भरोसे दा सदका निरंकार ने हर जगह दे उत्ते उहदी पैज रखी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो ना जी धन बाबा दीप सिंह जी। महाराज कहिंदे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी कर तारे। अगे की कह रहे पढ़े हो जी। बादशाह शाह सब वस कर दीन, अमृत नाम महारस पीने। महाराज कहिंदे हे प्यार वाले ओ हे संत जनो, परमेश्वर अपने सेवकां नूं दुनिया दे शाहां बादशाहां वल्लों भी बेमोहताज कर दिंदा है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੁਛੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੁਛੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਦਕੇ ਨਾਮ ਦੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਰਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਛੰਦਗੀਆਂ ਖਤਮ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਬੇਮਉ ਤਾਜੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਭਗਤ ਜਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਕੰਮ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਪੱਕੀ ਰੂਟੀਨ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਕੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ,
दूजियां जूनां दे उत्ते कृपा नहीं। असी संगत विच बह सकते हैं, असी नाम जप सकते हैं, ये परमेश्वर ने बख्शिश साडे उत्ते कीती है, इस करके निडर होके उहदा नाम जपीए। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार नाल सारे आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। निरभउ होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान। अगे जी, शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी। महाराज गुरु अर्जन देव जी कहिंदे कहिंदे, हे गुरु रामदास जी, मैं तुहाडे दर दे उत्ते अरदास करके ए कह रहा हे अंतर जामी परमेश्वर साईं, हे मेरे मालक पिता जी, मैं तुहाडी शरण पिया हाँ, ते मैं न्यासरा होके तुहाडी शरण विच आया, मैं न्यासरा होके बस तुहाडा ही आसरा तकिया, ते कृपा करो मैं गरीब नूं अपना नाम बख्शो, मेरे कुकर दे गले दे विच अपने नाम दा पटा पा दे। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। ते ए फिर नाम दा पटा एहो जी है, नाम एडी अमोलक दात है कि जिदे अंदर ए नाम टिक गया, जिदे खिरदे घर दे विच नाम टिक गया, उन्हों फिर ए पूरा विश्वास आ गया। केड़ा विश्वास? थेर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, कि परमेश्वर साई ने मेरे सारे काज सवार दिते ने। गुरु मेर करे, बख्शिश करे, रहमत करे, सानू सारिया नू नाम जपन विच संगत करन विच रस आवे। एक वारी वाहिगुरु कहीए, हजारां वारी होर कहण नूं साडा दिल करे, ये गुर परमेश्वर साईं साडे सारिआं दे उत्ते कृपा करन। आओ बड़े प्यार दे विच असीस बख्शिओ फतेह बुलाउणी है, ते उस तों पहले मेरी सनेमर बेनती भाई साहब जी गुर इकबाल सिंह जी, जो थोड़ी जी सेहत फिर खराब होई ते DMC हस्पताल फिर एडमिट करवाया गया, सारी संगत के चरणों में मैं सनेमर बेनती करांगा कि नित नेम वधा के एक पाठ जप जी साहब, दो पाठ चौपाई साहब, जिन्ना भी नेम वधा के तुसीं रोजाना अरदास कर सकते हो जरूर करो, कि सतगुरु भाई साहब जी नूं दे अरोगता बख्शन, हजारां लखां गुणा वधा के अपनियां सेवावां उस अपने लाल कोलों लैण। ये सारिया संगतां ने अपने घर दे विच ही पाठ करने ने, ते आप ही फिर अरदास कर देनी कि महापुरशां नूं सतगुरु जी जल्दी तो जल्दी दे अरोगता बख्शिश करन, कल दे दिवान विच फिर तुहाडे दीदार मेरा दाता करवावे। इसे चीज़ नूं मुख रख के मैं तुहाडे कोलों खिमा मंग रहा, प्यार सहित सारी संगत फतेह बुलावा। खो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। सारिया संगतां दे चरणों में सनेमर बेनती है, जदों भी अमृतसर साहब आओ, जिनी बारी भी आओ, आप जी 3-4 घंटे का समा वध कट के आओ, अपनिया अखां नाल आ के वेखो राम तीर्थ रोड अमृतसर साहब विखे जो बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट वालों सेवावां चल रही ने। आप जी जदों आओगे मैं पक्का विश्वास है तुहानूं बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी जदों आके तकोगे किवें दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल चल रहा है, CBSE स्कूल है। इस स्कूल दे विच विधवा बीबियां दे बच्चे जिन्हां दीआं 3 बेटियां ने, और ग्रंथी सिंघां दे बच्चियां दी प्ले पेन तों 10वीं तक बिल्कुल फ्री पढ़ाई हो रही, ना उन्हां लई कोई दाखला ना कोई महीनावारी फीस। इसे जगह दे उत्ते ही जो गुरु बाबा नानक जी की रसोई चल रही है, जिस रसोई दे राही रोजाना 2000 तो भी वध प्रेमी गुरु का लंगर छकते ने, गुरु बाबा नानक जी की चलती फिरती रसोई गड्डी बनाई है, उस गड्डी राही जिथे जिथे भी लोड़ होंदी है गुरु का लंगर तैयार करके लोड़ीदियां थावां ते पहुँचाया जाता है। आके तको किवें बाबा दीप सिंह जी
हेल्थ केयर चैरिटेबल हस्पताल चल रहे हैं। जिस हस्पताल दे विच 20 रुपया की पर्ची च 2 दिन की दवाई फ्री दी जाती, वो डॉक्टर जिहड़े अपनी क्लीनिक ते 200-400 रुपया भी फीस लेंदे ने, इत्थे 20 रुपया च वेखदे भी ने ते 2 दिन की दवाई बिल्कुल फ्री। लैबोरेटरी दे जिन्ने टेस्ट ने लागत मुल नाल हुंदे। डिजिटल एक्सरे 113 रुपए च हुंदा है। जिहड़ी दवाई बाजारों मान लो 100 की मिलनी, इत्थे 30 की दित्ती जांदी ते जिहड़ा ए भी ना दे सके उहदे लई ये हस्पताल बिल्कुल फ्री है। और इसे जगह ते जो बाबा दीप सिंह जी गुरमत ज्ञान संगीत अकैडमी चल रही है, जिस अकैडमी दे विच 10वीं पास विद्यार्थियों का गुरमत का 2 सालों का कोर्स है, जिस कोर्स दे विच कीर्तन की सिखलाई, तबले की सिखलाई, नाल प्यारे ओ कथा की सिखलाई, अमृत वेले की संभाल, संध्या के समय की संभाल, बच्चियों का जीवन उच्चा सुचा बने, इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाता है। और बच्चियों की सेहत ठीक रहे, खेडों का प्रबंध, घोड़सवारी का प्रबंध, जिम का प्रबंध भी इत्थे कीता गया। बच्चे अजोके समय के हाणी बनन, इंग्लिश स्पीकिंग दीयां क्लासां भी लगाईयां जांदियां ने। ये सारा कुछ तुहाडियां सीसां नाल हो रहा है। और इसे जगह पर हर महीने विधवा बीबिया नूं फ्री राशन देने की सेवा भी निभाई जाती है। और नवी जगह बारे तुहानूं पता ही है, 15,500 गज जगह जो सतगुरां ने बख्शी हुई, जिस जगह पर जिथे प्यारे ओ बाबा दीप सिंह जी का वड्डा गुरद्वारा साहब बनना है, उत्थे बाहरों आने वाली संगतों के लिए बाबा दीप सिंह जी संगत निवास बनना है। इसे नवी जगह के उत्ते जी दया प्रवान पार्क, जिस पार्क के विच पंछियों को दाना पाना, खाना पाना और बीमार पंछियों का इलाज होया करेगा, ये पार्क भी इत्थे बनना है। तो मेरी बेनती है, ये सारे गुरु रामदास जी दे, बाबा दीप सिंह जी दे ते संगत जी तुहाडे कारज ने, कोई अमनदीप सिंह दे कम नहीं। आप जी मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के साथ दिओ, पक्के महीनावारी डोनर बनो कि इन्नी सेवा, इन्ना दसवंध असी बाबा दीप सिंह जी दे खाते दा कढ़ना ही कढ़ना है। और मैं सच कह रहा, तुसी लोड़मंदां दे लई दसवंध कढ़ोगे ना, जदों तुसी लोड़मंदां दी बांह फड़ लोगे, जिहड़े मरीज ने दवाइयां नहीं लै सकते उन्हां दीयां दवाइयां लई अपना दसवंध भेजोगे, या जिहड़े कुछ खा नहीं सकते जदों उन्हां दे घर दी रोजी रोटी दा लंगर दा प्रबंध तुसी कर दोगे, विधवा बीबियां जिन्हां दे सिर दे उत्तों साईं उठ चुके ने, जदों उन्हां दे घरां विच तुहाडे दित्ते दसवंध नाल चुल्हा बलेगा, मैनूं पक्का विश्वास है गुरु रामदास बाबा दीप सिंह कदी भी तुहानूं कोई घाटा नहीं पैण देणगे, तुहानूं बरकतां ही पाउणगे। इस करके पक्के महीनावारी डोनर बनो। टीवी स्क्रीन दे उत्ते तुहाडे साडे ट्रस्ट दा जो पंजाब नैशनल बैंक दा अकाउंट है उहदी डिटेल भी आ रही है, कोटक महिंद्रा बैंक दा अकाउंट है उहदी डिटेल भी आ रही। आप जी इह स्क्रीनशॉट लै लो और महीनावारी पक्के डोनर बनो, तां जो इह सेवावां निरंतरता दे नाल जारी रहिण। और जिवें मैं तुहानूं दसदा हुन्ना, घट तों घट 113 शहरां दे विच इह सेवावां दा कार्ज शुरू करना है। वो तां ही होएगा जदों पूरा तुसी सहयोग दोगे। तुसी अपनी सेवा सानू पेटीएम भी, गूगल पे भी कर सकते हो, सारे नंबर तुहाडे टीवी स्क्रीन दे उत्ते आ रहे हैं। तो आप जी सहयोग दे के गुरु पिता दियां जिथे खुशियां प्राप्त करो, उत्थे वो लोड़मंदां दी बांह फड़ के अपना जो जन्म भी सफला करो जी। ये बेनतियां प्रवान करो, प्यार सहित सारे फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।